गोरखपुर विश्वविद्यालय की कल घटना पूरे देश में गूंज रही है, सारे चैनलों और सारे अखबारों में सुर्खियां बनी है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि यह घटना क्यों हुई। लगातार छात्रों का जो धैर्य था वो जवाब देता जा रहा है। जब से कुलपति गोरखपुर के वर्तमान कुलपति विश्वविद्यालय के कुलपति हुए हैं, तब से आए दिन गोरखपुर विश्वविद्यालय अखाड़े का अड्डा बनता जा रहा है, आए दिन गोरखपुर विश्वविद्यालय धरना और आंदोलन का अड्डा बनता जा रहा है। इसके पहले ये वही जगह है जहाँ पे कुछ दिन पहले ही छात्रों के द्वारा कुछ झड़पें हुई थी, जिसका वीडियो लगभग एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन उसके बाद कल की जो घटना हुई वो तो शर्मसार करती ही, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से आखिर छात्रों का धैर्य क्यों जवाब दे रहा है। कल की जो घटना हुई, तानाशाह कुलपति के खिलाफ जो इस तरह से कार्रवाई छात्रों के द्वारा की गई, हालांकि सभी छात्रों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद से आप देख सकते हैं किस तरह से विश्वविद्यालय का जो गेट है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पहरे पे मौजूद है, सामने देख सकते हैं बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है और यहाँ गेट पे जो भी आने जाने वाले लोग हैं, चाहे छात्र हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे जो भी लोग अपने कार्य से अंदर जा रहे हैं, उनके पूरा पूछताछ किया जा रहा है। ये पुलिस बल यहाँ पे लाके कहीं ना कहीं देखा जाए एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब इसके बाद इस तरह की कोई घटना देखने को न मिली, एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएँ आखिर हुई कैसे, कहाँ इस तरह की चूक हुई कि इस तरह से जो घटनाएँ हुई वो काफ़ी शर्मसार करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस तरह की घटना काफ़ी निंदनीय है और जो छात्र इसमें शामिल थे, जो छात्र नेता इसमें शामिल थे, उनमें संगीन धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सामने पुलिस बल अभी इस गाड़ी में आई है और पूरे विश्वविद्यालय परिसर को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये देख सकते हैं किस तरह की ये जो है सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। और आज सुबह जैसे विश्वविद्यालय का परिसर खुला उसके बाद कुलपति महोदय खुद निकल के आए, जो कुलपति महोदय अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे वो आज खुद आए और विश्वविद्यालय के परिसर का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के जवान जो है सुरक्षा के तौर पर विश्वविद्यालय के अंदर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए सत्र जो पढ़ाई का है, जो कार्य होता है विश्वविद्यालय का, वो ना बाधित हो उसके लिए पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है और यहाँ पे वाहन से अभी कुछ फोर्स उतरे हैं, गेट का मुआयना कर रहे हैं। कहीं कहीं देखा जाए एहतियात के तौर पर जिस तरह की घटना कल हुई विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति के द्वारा, तो कुलपति के ऊपर जो छात्र नेताओं का हमला किया गया वो सुर्खियों में है। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए ये इस तरह की घटना आखिर हुई कैसे, क्या इस पर सवालिया निशान उठता है, आखिर छात्रों का धैर्य जो है जवाब क्यों दे गया, क्यों विश्वविद्यालय का परिसर, विश्वविद्यालय का गेट आए दिन धरना और आंदोलन का अड्डा बनता जा रहा है, ये सवालिया निशान उठता है। तो कहीं कहीं देखा जाए विश्वविद्यालय में इस समय जो है विश्वविद्यालय के घटना को लेकर काफ़ी शहर में देखा जाए तो काफ़ी लोगों में रोष है, उसके बाद भी कुलपति के प्रति जो छात्रों में रोष है वो निकल के सामने आया था और उसी का नतीजा था कि कल की जो घटना हुई वो काफ़ी शर्मसार करती है। सभी चैनलों और अखबारों में सुर्खियां तो बनी ही, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस बल यहाँ पर भारी पुलिस बल फोर्स तैनात कर दी गई है गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे पल पल हमारे साथ।